privacy talks will listen you an open platform for college and school going students to share their knowledge, ideas and success stories. Let's introduce our today's guest, author of the book Tale of Two Hearts, Ms. Arbina Ara Wani. Welcome to Arbina Edge Talk Show. Thank you. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Let's introduce yourself. Arbina Ara Wani. My father's name is Mahajan Wani. I'm hailing from Kutch, Supratim. Recently, I completed my 12th in 2019. And I'm the BSc first year student. Very nice. How the journey started? कैसे ये सब स्टार्ट हुआ? आपने एक बुक लिखी, बहुत अच्छी बुक लिखी है, वो भी पेंडेमिक के दौरान. हाउ डिड यू स्टार्ट इट? जब पेंडेमिक था तो इस टाइम लॉकडाउन था, पूरा बंद था, तो एक चीज़ हमें एक गैप मिला, एक टाइम मिला खुद को जानने के लिए. तो उस टाइम में खुद को इतना ज़्यादा मतलब टाइम मिला है इतना स्पेंड करने के लिए कि हमने ये बुक लिखी उस टाइम में. वेरी नाइस. सो इसमें आपका सपोर्ट किस किस का रहा या आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है बुक लिखने को? सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें पेरेंट्स से हैं, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स सभी से हमारा सपोर्ट, पूरा सपोर्ट है हर किसी से अल्हम्दुलिल्लाह. और इंस्पिरेशन है हमारी मिस बिलासा जो कि ओके कुलगाम से, जो हमारे एट्थ में ये टीचर रहे हैं. तो एट्थ क्लास में उन्होंने हमारा बहुत किया, इस इंग्लिश की तरफ बहुत ध्यान दिया, कॉन्फिडेंस दिया और बोला कि आप कर सकते हो. तो वो हमारी इंस्पिरेशन रही. सो योर अपकमिंग फ्यूचर की प्लान्स क्या है, या अगर हम कहें कि फ्यूचर की गोल क्या है आपके, क्या करना चाहते हैं जब, क्योंकि अभी आप जस्ट 18 इयर्स ओल्ड हो, एक स्टूडेंट हो, तो अभी आपके टाइम है बहुत सारा कुछ करने का. फ्यूचर प्लान्स एज आप जानते हैं हमारे मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसमें एक प्रोफेशन अपना कैरी करेंगे मेडिकल में. और हम जो है अपना जो पैशन जो है हमारा राइटिंग का, पोइम्स लिखने या शॉर्ट स्टोरीज या उर्दू शायरी, वट एवर इट इज़, तो हम ये कैरी ऑन करेंगे साइड बाई साइड. तो आप अपना जो मेडिकल का है आपका जो स्टडी वो कंटिन्यू करो साइड बाई साइड, आप ये भी कैरी करो, जो आप पॉइंट लिखते हो, बुक वगैरह लिखनी हो कोई आगे. और हाल ही में आपने नीट का एग्जाम भी दिया, आपके 309 मार्क्स थे, मतलब ये क्या नीट का जो आगे क्या करना है? आगे इंशाल्लाह हम देखेंगे, अगर प्रोफेशनल कुछ मिला हमें अच्छा सा, लाइक एनेस्थीसिया होते हैं, मतलब पैरामेडिकल कोर्स होते हैं, वैसे कुछ एक अच्छा सा. हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं अभी, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट नीट के लिए भी ट्राई करेंगे, एमबीबीएस के लिए इंशाल्लाह, अगर खुदा का चाहना था तो इंशाल्लाह करेंगे क्वालिफाई. अभी अर्बिना जी आपका मैसेज क्या है यूथ के लिए, जो हमारी यूथ है जम्मू एंड कश्मीर की पूरी, हम यहाँ काफ़ी बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है वो अलग सी बात है, पर अभी आपकी मैसेज क्या जाएगी उसको, हमें क्या करना चाहिए इन हालातों में, क्योंकि जॉब बहुत कम है, हर सिटी में अभी कंजेशन हो रही है. अगर आप एक बुक का देखा जाए, अगर हम एक बुक लिखते हैं ये तो एक हमारा फेम बनता है, दूसरा हमारे ये बिजनेस बनता है, क्योंकि इससे हम पैसे यूज कर सकते हैं. अब यही बात नहीं है बुक की, अगर कुछ और भी किसी का पैशन हो या टैलेंट हो किसी और चीज़ में, अगर आप जानते हैं बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा, तो इस इन चीज़ों से ऐसे हम ये पैसे भी आ सकते हैं, फेम भी आ सकता है, बाकी चीज़ें भी, और अपनी जो सोल की सर्टिफिकेशन है वो भी हो सकती है. जैसे कि हम हमारा जो भी पैशन फॉलो कर रहे हैं उसको हम कल एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वी कैन मेक मनी आउट ऑफ इट. क्योंकि अगर कल को आपकी बुक पब्लिश हुई हो, अच्छी खासी चली, तो आई होप मार्केट में मेक मनी आउट ऑफ इट. पैशन तो आपका चल ही रहा है आपका ऑलरेडी, ठीक है, तो वहाँ से आप पैसे भी साथ साथ कमा सकते हो, दैट्स गुड. तो मतलब हमें अभी सेल्फ डिपेंड हो गए. ओके, तो अभी जो इसमें आपने जो हमें आपकी बुक पढ़ रहा था उसका पीडीएफ है मेरे पास, तो उसमें काफ़ी पोइट्री लिखी है आपने, बहुत अच्छी खासी पोइट्री इंग्लिश में थी, मतलब जैसे रियली टचिंग नॉलेज. तो आपसे सुनना चाहते हैं दो तीन लाइनें पोइट्री, चाहे उर्दू में इंग्लिश में है, जो भी हमारे व्यूअर्स के लिए. जी, तो हमारी एक पोइम है उसमें थॉट्स, जब हमने उस कॉन्टेक्स्ट से रखी है, जब एक इंसान सोचता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, डीप थॉट होता है कि आप क्या करेंगे, कोई फ्यूचर के लिए सोचता है, कोई पास्ट के लिए सोचता है कि हमारे पास में क्या हो, कोई प्रेजेंट के लिए सोचता है, तो डीप थॉट्स. तो उसके लिए हमने कुछ एक पोइम लिखी है, उसकी कुछ लाइन्स है. आई एम लॉस्ट इन माई ओन थॉट्स, वंडरिंग हियर एंड देयर, डोंट नो व्हाट टू डू, बियॉन्ड फ्रॉम द सर्कल ऑफ वर्ल्ड, अपार्ट फ्रॉम द इमेजिनेशन, आई एम लॉस्ट, या आई एम लॉस्ट इन माई ओन थॉट्स. सुनने को मिला आप थोड़ा उर्दू में भी थोड़ा लिखते हो कुछ, तो उर्दू में कोई शायर या कोई कुछ पोइम वगैरह एक दो लाइनें? यस, सुना है हर दिल में रहते हो आजकल,
सुना है हर दिल में रहते हो आजकल, जरा ये बता दो कहीं गम तो नहीं हो तुम। ये हम उर्दू में